हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमसे जुड़ने वाले हैं भाई पंकज पासवान जी, जो कि समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। जी डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि आज है 24 सितंबर, मतलब कि 24 सितंबर, और आज टेट टेस्ट हो चुके हैं बच्चों के, और भाई अपना टेट टेस्ट देकर आ गए हैं और रास्ते में है। जी दोस्तों, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम पंकज भाई के पास चलें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें एंड इसी वीडियो के बाजू में आपको दिख रहा होगा बेल आइकन, उसको प्रेस कर दें, दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आती है तो इसको अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। जी दोस्तों, और आप भी चाहते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने मित्रों की हेल्प करें, तो आपको जाना होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप उस पर संपर्क करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपने भाइयों मित्रों की हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और करते हैं भाई पंकज से बात। और आप लोगों के लिए मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट किया था, तो डियर फ्रेंड्स उसके जो कमेंट्स हैं उन सभी के आंसर भी आपको आज मिल जाएंगे भाई पंकज के द्वारा। तो चलिए, मैंने आपको लाइव कर दिया। सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए दोस्तों के लिए, आप कहाँ से हैं, कैसे? हम बिहार से हैं, समस्तीपुर से। जी, हुआ था। जी विस्तार से बताइए, आपके साथ कैसा क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे हुआ मेरे साथ जो फर्स्ट बार स्कूल आ गया था। जी, 5 बजे एंट्री करवाने लगता है। 5 बजे एंट्री होती है जी। हाँ, उसके बाद मैदान में बैठा था, वो एक फील्ड में। हाँ हाँ, फिर वहाँ से 20 पीस का बैच बनाता है। हाँ हाँ, फिर बैच बना के बैठ होता है। हाँ हाँ, और फिर वहाँ से बैठक ठीक हो गया था, मतलब जो बैठ है, मतलब जैसा वैसा पंडाल बैठाया जाता है। हाँ हाँ, और उसके बाद पंडाल में आता है, तब एक कांस्टेबल आता है। हाँ हाँ, और बोलता है जो भी फर्स्ट बैच है चलो, सेकेंड बैच चलो, तो मेरा थर्ड बैच था। अच्छा, आपका थर्ड बैच में था आज? हाँ, मेरा थर्ड बैच में था। जी जी, अब फिर मतलब आज पॉसिबल हो जाता है तो कुछ दूर पे मतलब बोल रहा है अपने, चलो हाथ धो लो, बढ़ जाते हैं। अच्छा, हाथ धो लो बोले, बोलता है। हाँ, मतलब पसीना रहा था, पसीना साफ नहीं करवाता है, मतलब बोल रहा है जो मतलब चलो हाथ धो लो। हाँ हाँ, फिर वहाँ पे आगे बढ़ाता है तो जहाँ ठीक है ना। हाँ हाँ, उसी के मतलब आगे में बैठा देता है बैच बाय बैच। हाँ हाँ, तो हम लोग दूसरा 3 नंबर मेरा बैच था, तो फर्स्ट वाला भी बैठा हुआ था मेरे साथ। अच्छा, हाँ हाँ, तो उधर से बोला अब पूरा से तीन मतलब स्टार्ट से रोटेट था, तो फर्स्ट बैच वाला को बुलाया। हाँ हाँ, और मतलब लगभग वहाँ मानिए तो 15-16 टेबल था। 16 टेबल थे? 16? हाँ, एक एक टेबल पे एक चूल्हा था और दो मतलब बेलने वाला था, बेलन चौकी। अच्छा, दो बेलने वाले थे एक टेबल पर। हाँ, वही वाला जो मतलब पहले खाना थे, दो लोगों को मतलब लाइन से जाना है और एक टेबल पे दो आदमी वहाँ खड़ा रहना है। अच्छा, हाँ, हाँ हाँ, सबको एक वही के पास खाली रखा हुआ था, वहीं पे थाली था। आटा अपने हाथ से ले लो? नहीं नहीं, मतलब वहाँ देने वाला। अच्छा हाँ, थाली कैसी थी? थाली गहरी थी कि अपन नॉर्मल घर में खाना खाते हैं वैसी? बड़ा वाला था। बड़ा वाला, मतलब बड़ा था थाली। अच्छा हाँ, फिर 100 ग्राम के अंदर मतलब रोटी भी बन जाए और थोड़ा सा मतलब पर्सन। अच्छा हाँ, उसका थोड़ा सा थोड़ा मतलब रोटी मतलब बनाओ। हाँ, मतलब आटा गूंद के रोटी बनाओ। हाँ, वही उसका अपना बड़ा करा था, तो उसी का देखा था किसी का किलो गया या किसी का लंबा चौड़ा, तो सबको मतलब वही से मतलब डिस्क्वालीफाई कर देता। अच्छा पंकज जी, आप जी बताइए, आप लोगों ने आटा गूंथा था तो उसमें नमक डाला था क्या? नहीं नहीं नहीं। और जी बताइए, आटे गूंथने में दिक्कत तो नहीं होती? थाली से बाहर तो नहीं जाता, गिरता तो नहीं है? नहीं, दिक्कत नहीं होता,
हाँ वही से था जी, जो थोड़ा उस समय सामने में परेशानी भी आता था। अच्छा, परेशानी जाता था आपको सामने में? अच्छा, और आपको टाइम तो नहीं दिया था कि इतने टाइम में कवर करना है? नहीं, नहीं नमक की नहीं बोल रहा हूँ, आप टाइम के अंदर तो नहीं करना था, मतलब कि टाइम की लिमिट तो नहीं थी? टाइम का कोई लिमिट नहीं था, आप जब भी मतलब परफेक्ट करना चाहिए आपको। तो फिर भी कितना टाइम ले लेते हैं बच्चे इतना करने में, आटा गूंथ कर रोटी बनाने में? हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा पंकज भाई ने क्या बोला है, मैंने वीडियो को स्टॉप करके उनकी बातें और सुन ली है। डियर फ्रेंड्स, अब उनने क्या बोला है मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि भाई गाड़ी में बैठा है तो आवाज़ कहीं जाती है कहीं आती है, कटती है, कट कट के आ रही, जो आपको समझ में नहीं आएगी। डियर फ्रेंड्स, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं भाई से 3 बार ट्राई कर चुका हूँ, 2 बार मैंने वीडियो कैंसिल कर दी क्योंकि आवाज़ ऐसी टूटी फूटी आ रही थी तो वो आपको जरा सी भी समझ में नहीं आती। आप ज़रूर बोलते कि आप दोबारा से बनाइए, और अभी भी वो कंडीशन घटित हो रही है, इसलिए मैंने स्टॉप करके फिर से कॉल किया एंड उसके बाद फिर से उनको पूछा कैसा क्या हुआ। तो दोस्तों, भाई ने बोला कि फर्स्ट टेस्ट उनका आराम से निकल गया था, लेकिन सेकेंड टेस्ट जो कि सब्जी का रहता है वो भाई को दिया गया एंड भाई ने सब्जी भी बनाई, बढ़िया बनाई, लेकिन क्या हुआ, नमक की मात्रा अधिक बता दी गई ऑफिसर्स के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप वहाँ पे जा रहे हैं लिलवाए में, तो भाई ने अच्छे से बताया कि टाइम की कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि आप आराम से करिए लेकिन सावधानी पूर्वक करिए। रोटी की वही कंडीशन रहती है, फूली हुई एंड कहीं से कच्ची ना हो, कहीं से बरी ना हो, गोल हो, ना ज़्यादा मोटी हो, ना ज़्यादा पतली हो। जी दोस्तों, और सेकंड में आपको कुछ मेनू दिया जाता है, सब्जी भी दी जा सकती है, चावल भी दिए जा सकते हैं, दाल भी दी जा सकती है, वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें होती हैं वो सभी दी जा सकती हैं सब्जी के अंतर्गत। लेकिन भाई बोल रहा है मैक्सिमम वहाँ पे भिंडी बनवाई जा रही है इस समय एंड उसके साथ साथ आपकी गिलकी होती है, तोरई और परवल, इन चीज़ों की सब्जी वहाँ पर अधिकतर दी जा रही है। हालांकि मछली वहाँ पर अभी नहीं बनवाई जा रही, शुरू शुरू में ऐसा आया था, बोल रहे थे बच्चे कि हाँ मछली के चांस मिल रहे हैं, जैसे कि पिंटू दास ने बोला था कि मछली मछली बहुत फेवरेट है वहाँ की, बनवाई जा रही, बट मछली आज प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे नहीं बनवाई गई। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें ये सभी बातें बोली हैं भाई ने, पंकज ने। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप जाने वाले हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप भले ही टाइम नहीं है लिमिटेड, मतलब कि टाइम की सीमा नहीं है, फिर भी आपको 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी रोटी बन जानी चाहिए, मतलब कि आटा गूंथ कर फुला लेनी है आपको, और ऐसी रोटी बननी चाहिए जो रिजेक्ट ना हो। आप लोग ऐसी प्रैक्टिस करें, देन इसके बाद जो सब्जियां मिल सकती हैं मैंने नाम भी बताए हैं, उन सब्जियों की अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लें, उनके अलावा भी मिल सकती हैं, बट मैक्सिमम चांस है 75% चांस है कि आपको इन्हीं में से मिल जाए। तो उन सब्जियों को कैसे स्पेशल से स्पेशल बनाया जा सकता है, आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। भाई ने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया था बट लास्ट में उसकी सब्जी में नमक तेज़ बता दिया गया। तो दोस्तों, आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें, यदि आप सब्जी बना रहे हैं तो नमक थोड़ा कम ही रखें, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपके ऑफिसर्स ये ना कह सकें कि नमक ज़्यादा है। ऐसे अभी तक मेरे पास 3 से 4 कॉल आ चुके हैं जिसमें कैंडिडेट नमक के कारण रिजेक्ट हुए। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान देना इस बात की ओर कि आप लोग जब भी जो भी मेन्यू बनाएं, सब्जी बनाएं, उसमें नमक या सॉल्ट की मात्रा कम ही रखें। यदि आप कम रखेंगे तो आपको कहने को रहेगा कि सर नमक कम है, ऐड भी कर सकते हैं। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कौन कैसा खाता है, मतलब कि कोई नमक ज़्यादा भी खाता है, मतलब कि कोई नमक कम भी खाता है। यदि आपकी सब्जी में नमक कम है तो आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं, बट यदि नमक ज़्यादा हो गया तो दोस्तों फिर तो सब्जी की कंडीशन बैड हो जाएगी, आप उसको कम नहीं कर सकते। यह आप ऑफिसर्स को बोल सकते हैं कि ऐसी ऐसी कंडीशन हो सकती है डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है और सलाह है कि आप लोग सब्जी बनाएं तो नमक की मात्रा अधिक ना करें, क्योंकि यह भी एक आपके फेलियर का कारण बन रहा है, फेल होने का टेस्ट में रीज़न बन रहा है। एंड डियर फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में मैं बार बार बताता हूँ और बता भी दिया है, तो अब हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप जाने वाले हैं तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करके जाएं।
और यदि अभी भी आपके मन में कोई कमेंट्स या क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।